भाई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त खड़ा तुम्हारे साथ ठंड में आदिवासियों की टी शर्ट पहन के, ठीक है। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितने भी मिनट की ये वीडियो बनेगा इसका एक एक मिनट आराम से देखते जाना। तो जितना बता रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ लो, अच्छे से कर लो उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और सब बच्चे आराम से पास हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से ना ये वाली वीडियोस देख लो अच्छे से। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फोकस ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जैसे कि आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी जो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, इसके अंदर मोस्टली बच्चों ने इसको शायद पढ़ा नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़े बच्चों ने पढ़ा भी हो, बट मोस्टली को नहीं पता होगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी होती है। तो भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उससे स्टार्ट करेंगे। जे वेक्टर इक्वल्स टू माइनस एन ई वी डी वेक्टर। अब VD वेक्टर क्या होता है, माइनस ऑफ E कैपिटल E वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। यहां से इन दोनों को क्लब करके J वेक्टर इक्वल्स टू N E स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M E इनटू E वेक्टर हो जाएगा। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं 1 बाय रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस सिग्मा इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी। सो J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E वेक्टर, या फिर E वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाय रो टाइम्स J वेक्टर। तो इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म को आप ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं। और ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो दोनों में से कोई भी एक दिखे या दोनों ही दिखे तो बोथ ऑफ दीज इसका आंसर है, या फिर दोनों में से कोई एक दिखे तो वो इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फोकस ऑन अ टॉपिक विच इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। बहुत से बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, तो चलिए इस टॉपिक के बारे में आपको हल्का सा डिटेल दे देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मोबिलिटी क्या होता है, देखिए मोबिलिटी ये होता है कि आप कितने आराम से मूव कर सकते हैं, आप कितनी जल्दी स्पीड पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, बीइंग मोबाइल। मोबाइल क्या होता है, मूव करना। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, आपके सामने अगर एक मारुति ऑल्टो खड़ी है और एक टाटा सफारी खड़ी है, दोनों ही न्यूट्रल पर खड़ी है, और आप जाके ऑल्टो को धक्का मारते हो और आप जाके टाटा सफारी को धक्का मारते हो, कौन सी गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी? द आंसर इज ऑब्वियस कि भाई मारुति ऑल्टो ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, क्योंकि उसका मास कम है, आपने जो फील्ड लगाया उसके ऊपर वो उसको ज्यादा स्पीड दे देगा एज कंपेयर टू द टाटा सफारी। टाटा सफारी भारी है, आप उसको ज्यादा फील्ड देंगे तो वो नहीं हिलेगी इतनी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में। चलिए यहां पर देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी कि आपने किसी चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसने कितनी स्पीड पकड़ ली, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। इस रेशियो को बोलते हैं मोबिलिटी। अगर हम इसका मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। सो VD डिवाइड बाय E इक्वल्स टू मोबिलिटी। अगर हम VD की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, Q टाइम्स E डिवाइड बाय मास इनटू टाउ, और इसको डिवाइड कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये आपके पास QE डिवाइड बाय M इनटू टाउ हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, तो यहाँ से जो आपका I इज इक्वल्स टू एन ई ए VD होता है, VD जो है आपका वो म्यू इंटू ई हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए म्यू इंटू ई हो जाएगा। दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जितनी मोबिलिटी किसी चार्ज की ज्यादा होगी उतनी ही उसकी जो है ना जितना उसका जो मोबिलिटी ज्यादा होगी किसी भी कंडक्टर में उतना ही करंट भी ज्यादा होगा। जो SI यूनिट है मोबिलिटी की कैसे निकालेंगे, देखिए वेलोसिटी का जो SI यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है उसको यहां पर हमने लिया वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम नहीं लिया, वोल्ट पर मीटर लिया है। तो यहां पर पुट करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड आ जाएगा। दिस इज योर SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बोर्ड में इसके जो अल्फा के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है। यहां पर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, एंड दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली फॉर कंडक्टर्स। अभी मैं सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में क्या होता है। बट जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स होती है RT इज इक्वल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर चलती है,
rho t equals to rho into 1 plus alpha delta t. So this is only for conductors. अब ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ना रेजिस्टेंस बढ़ क्यों जाती है या फिर रेजिस्टिविटी बढ़ क्यों जाती है? इसका मैंने बहुत ही सिंबॉलिक फॉर्म में एक लाइन लिखी है यहाँ पर। इस लाइन को कम से कम 2-3 बार रिपीट करिए अपनी कॉपी पर, इसको 5-6 बार लिख लेना जैसे मैंने लिखा हुआ। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा था वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करना शुरू कर देगा क्योंकि उसको टेम्परेचर मिल गया। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी इंक्रीज करती है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करती है टाउ जो है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। ये पूरा इसका लॉजिकल आंसर है, ध्यान से दोबारा सुनेंगे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करेगी तो भाई रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी और उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जो अल्फा होता है फॉर कंडक्टर्स ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर बढ़ने से जो है ना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसके ऐसा यूनिट है केल्विन इनवर्स या और प्रैक्टिकल यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो मेटल्स के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे, सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ज्यादा जनरेट होंगे, ज्यादा जनरेट होने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन वो सेमीकंडक्टर्स के लिए है और ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये कंडक्टर्स के लिए है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? पहली बात तो ये नाम से समझ में आ रहा है कि इंटरनल है, इंटरनल मीन्स ये आपको बाहर नहीं दिखाई देती। इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्यों है? ये सेल की बॉडी की वजह से होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेल इलेक्ट्रोलाइट से बना है, इलेक्ट्रोड से बना है, उसके अंदर पाउडर्स हैं, उसके अंदर मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, सेल की खुद की बॉडी है, तो करंट इन सब में से पास होकर जाएगा और कोई भी चीज जो होती है ना वो करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करती ही करती है। तो भाई द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको दिखती नहीं है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, कभी आप जैसे 1.5 वोल्ट का सेल खरीद के लाते हो जो आपके रिमोट्स में लगता है या ऐसा कुछ किसी घड़ी वगैरह में डलता है, पेंसिल सेल जो आप 1.5 वोल्ट का ले गए आपको, कभी भी अगर आप उसे चेक करेंगे ना वोल्ट मीटर से, आई एम सेइंग वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर, आप अगर उसे वोल्ट मीटर से चेक करेंगे ना तो कभी भी आपको 1.5 वोल्ट दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द EMF जो है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाती है। ध्यान से देखते हैं, ये आपने सेल लगाया, ये आपका लोड था, ये लोड कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर रिमोट, दैट इज योर वॉच, कुछ भी हो सकता है ये, और इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर यहां पर जो है ना रिप्रेजेंट कर दी सेल के साथ। एक बात का ध्यान रखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगती है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगती है, तो यहां पर हमने सेल के साथ सीरीज में और लोड के साथ सीरीज में लगा दी। अब करंट यहां से होता हुआ इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से होता हुआ जाएगा, तो E is equals to I into capital R plus small r। अब I into capital R करोगे तो ये बन जाएगा potential difference, ये बन जाएगा potential difference, और जब I को small r से multiply करोगे तो ये बन जाएगा potential drop। drop क्या होता है कि जो voltage आपकी, जो आपका EMF खो गया, potential drop, ठीक है, तो ये होता है potential difference और ये होता है potential drop। इसको तो ohm's law के हिसाब से हमने क्या लिख दिया, V। अब इसी रिलेशन को यूज करते हुए थोड़ा सा इसको जो है शफल करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई, यानी कि कितना ईएमएफ था उससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला डिवाइड बाय द करंट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी सेल या बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सो लेट्स सी वो कौन कौन से फैक्टर्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज्यादा आपका एसिड या जो आप बैटरी में डालते हैं सॉल्यूशन वो जितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा ना उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बने। इसलिए आपने देखा होगा कि इन्वर्टर की बैटरीज में हम लोग पानी डाल देते हैं जिससे कि जो है ना वो फिर से दोबारा वो अच्छे से चार्ज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी डालने से जो कंसेंट्रेशन है ना एसिड की वो कम हो जाती है। सो
कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा एसिड कंसेंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस है सेल या बैटरी की वो बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, आप जितना इलेक्ट्रोड्स को दूर दूर करते जाएंगे उतना ही उनके बीच की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, या जो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रोड्स को जितना हो सके उनको क्लोज रखना चाहिए। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी के अंदर पानी डालने से ये वाला फैक्टर भी जो है ना आपका इम्प्रूव कर जाता है। जितना जो है इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप रहेंगे उतना ही ज्यादा जो है ना उनके अंदर बेटर कंडक्टिविटी होगी। तो इसलिए बैटरी के अंदर पानी डालने से हमारे दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, पहली बात तो कंसेंट्रेशन कम हो जाती है एसिड की, दूसरी बात एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड ये बढ़ जाता है, जिससे कि दोनों फैक्टर्स की वजह से आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने किस तरह का एसिड उसके अंदर डाला, उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कितना है। ठीक है, ऐसे एसिड्स जिनका की डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है वो ज्यादा आपको हेल्प करेंगे बैटरी की कंडक्टिविटी बढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपली एसिटिक एसिड डाल दिया, आपने जो है ना विनेगर डाल दिया बैटरी के अंदर, उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बहुत कम है तो वो इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ाएगा नहीं। ऑन द अदर हैंड आपने H2SO4 या HCl डाल दिया जो कि हाईली उनका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है बहुत अच्छा होता है, वो जल्दी H+ आयंस निकालते हैं, तो ऐसे वाले जो एसिड्स है वो ज्यादा हेल्प करेंगे। इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो भाई जनरली ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह जो ठंडी कार या ठंडी बाइक होती है उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे बाइक के केस में, कार के केस में तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो बाइक्स का जनरली सुबह सुबह सेल्फ स्टार्ट नहीं लगाना चाहिए ठंड के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हुआ होता है और जिससे कि बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। ठीक है, ये कंडक्टर वाला केस नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट वाला केस है, मोबिलिटी पे असर पड़ेगा, इसको आप कंडक्टर वाले केस से कंफ्यूज ना करें। तो यहां पर जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जो है ना आपकी जो रेजिस्टेंस है बैटरी की वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके ऊपर की इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों को इसकी डेरिवेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं इसकी डेरिवेशन का एक अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, बट फिलहाल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं यहाँ पर आपको इसके एंड रिजल्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम पढ़ रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर हम फर्स्ट केस देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर मेन ट्रिक क्या है कि आपको वोल्टेज का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए, सीरीज में आपने अगर सेल्स को ऐसे लगा दिया तो सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम रहता है, करंट के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट यहाँ पर सेम रहेगा क्योंकि सीरीज है तो करंट विल फ्लो सेम। ठीक है, तो यहां पर पहले वाले सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको दूसरे वाले सेल के पोटेंशियल डिफरेंस में ऐड कर देंगे, सो V1 प्लस V2 हो जाएगा और इसका जो एंड रिजल्ट निकलता है वो E=E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू E है। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, हमने जो कंसेप्ट यूज किया यहां पर वो ये है कि V=E-ER होता है और सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे कॉम्पोनेंट्स का एड ऑन हो जाता है, तो ऐड करने से जो फाइनल आंसर निकलेगा सबका ईएमएफ जो है ऐड होकर आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा और सारे सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे ऐड करके आपके पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी। इसका जो डेरिवेशन है वो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इसको यूज क्यों करते हैं, सीरीज में सेल्स को लगाने का फायदा क्या है, इट इज यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि देखिए यहां पर वोल्टेज ऐड होती जा रही है, आपने सीरीज में सबको लगा दिया सबकी वोल्टेज ऐड हो जाएगी, करंट तो सब में से सेम ही निकल रहा है तो मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा पैरेलल के केस में और यहां पर आपकी वोल्टेज जो कि ऐड होती जाती है तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम वोल्टेज। अब हम डिस्कस करेंगे सेल्स इन पैरेलल, यानी कि अगर हम सेल्स को पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा। इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका एंड रिजल्ट भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहां पर जो है ना आपके जो करंट है वो एड अप हो जाएंगे, हर लाइन में से इंडिविजुअल करंट निकलेगा जो कि एड ऑन होकर आपका नेट करंट यहां बना देगा। अब देखिए पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो ऑब्वियसली बात है सेम रहती है, बट यहां पर बात हो रही है इक्विवेलेंट ईएमएफ की। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन यहां से जो मैंने फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो यहां से आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई माइनस वी बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। So we'll use the concept I = E - V by the internal resistance.
इस कंसेप्ट को यूज करके जो आपका आर इक्वलेंट आएगा, इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये आपका सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की ही डेरिवेशन है, ठीक है। सो 1 by R equivalent = 1 by R1 + 1 by R2 up to 1 by Rn करते हैं यहाँ पर। लेकिन E equivalent थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स का जो EMF और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका रेशियो आएगा E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3 up to En by Rn। लेकिन हम तो इक्वलेंट EMF निकाल रहे थे और यहां पर नीचे क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो इस नीचे वाले रेजिस्टेंस को नलीफाई करने के लिए हम R इक्वलेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहली डेरिवेशन का पार्ट है, ये अपने आप आता है, जबरदस्ती नहीं किया। इसका जो आंसर है वो ये है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की रेशियोज का सम कर देंगे इंडिविजुअल्स का और पूरे सम को जो है ना R इक्वलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे यूज कहां करते हैं, इट इज यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। ऐसी कंडीशंस में जहां हमें करंट मैक्सिमम चाहिए होता है वहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और जहां पर हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होती है वहां पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर वोल्टेज ऐड होती है और पैरेलल के अंदर करंट ऐड होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं किरचॉफ लॉज की। किरचॉफ लॉज के बारे में मैं यहाँ बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा क्योंकि इसका जो है ना मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसके अंदर कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया। उसका आपको आई बटन जो है ना यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके किरचॉफ लॉ का पूरा जो है ना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत आसान भाषा में दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल आपको हिंदी भाषा में समझाया कि भाई न्यूमेरिकल कैसे करना है। किरचॉफ लॉ के ऊपर मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है, थ्योरी तो इसके अंदर क्या ही है, वो स्टेटमेंट ही है दो लॉज की, तो वो स्टेटमेंट भी आपको उस वीडियोस में मिल जाएगी। तो भाई किरचॉफ लॉज जो है ना इसमें दो है, एक तो किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ करंट लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि भाई जितना करंट एक नोड से अंदर आएगा उतना ही करंट एक नोड से बाहर भी तो जाएगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, पाइप में जितना पानी एंटर हुआ एक सेकंड में उतना ही पानी एक सेकंड में निकलना भी तो चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसे आप कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर। तो भाई जितना करंट आया नोड के अंदर उतना ही करंट नोड से बाहर भी तो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लूप रूल भी कहते हैं और इसको हम नोड रूल और जंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो भाई लूप रूल के अंदर क्या है कि एक पूरे लूप के अंदर जो है ना जो टोटल एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस, सारे EMF और सारे जो है आपके जो भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बनते हैं सबका सम मिलाकर जीरो होता है किसी भी लूप में। अब इसको यूज करना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो में जिसका कि आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा है इसका जो आपका वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है और बहुत इजी लैंग्वेज, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट करिए और आपको पूरा जो है ना किरचॉफ लॉज का टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी मेरा एक अलग से पूरा वीडियो है 3 से 4 मिनट का जिसमें कि मैंने पूरी डेरिवेशन एक्सप्लेन करी है इसकी, तो उसका भी आई बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में मेनली आपको किन बातों में फोकस करना है, पहली बात तो एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉज की। इसकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल जो आपको डायग्राम या जो प्रैक्टिकल जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज योर मीटर ब्रिज जो कि सिलेबस से कट चुका है, और इसका प्राइमरी फंक्शन ये था कि इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम प्रैक्टिकल जब इसको टेबल पे बनाते हैं तो उसको मीटर ब्रिज कहते हैं, और मीटर ब्रिज का मेन पर्पज है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें 4 रेजिस्टेंसेस की रेशियो मिल रही है, P by Q should be equal to R by S. तो अगर IG zero है, मतलब जब ये सेंटर वाली ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में जो है ना हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड होगा, P by Q should be equal to R by S. यहां पर अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग और कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है। आपको मोस्टली यही वाला डायग्राम समझ में आता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं, इसके और बहुत फॉर्म्स हैं जिसको देखते ही आपको समझ जाना होगा कि भाई ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बना के दे रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के, और अगर आपको डेरिवेशन चेकआउट करनी है तो आप इसको आई बटन पर जाकर क्लिक करें और आपको पूरी डेरिवेशन डिटेल में मिल जाएगी।
ओके सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और फॉर्म्स जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की याद रखनी पड़ेंगे कि भाई ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। आपको सिर्फ एक वो रॉम्बस वाला डायग्राम याद रहता है लेकिन ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह का सर्किट जो है इसमें दिखता है तो आपने क्या करना है कि इस बीच वाली रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर कर देना। अगर इसके इधर वाली रेशियो पी बाय क्यू अगर इन दोनों की रेशियो के बराबर हो जाती है, अगर पी बाय क्यू की रेशियो आर बाय एस के बराबर हो जाती है तो आपने इस बीच वाली रेजिस्टेंस को हटा देना है, ठीक है। और जैसे ही बीच वाली रेजिस्टेंस हटेगी ये यहां से फ्लो करता हुआ करंट यहां से चला जाएगा, पी और क्यू जो है वो सीरीज में आ जाएगी और यहां से आर से होता हुआ करंट एस में चला जाएगा, ये बीच वाली ब्रांच यहां से हट जाएगी। तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म है। अभी आपको मैं दूसरी एक फॉर्म भी शो कर रहा हूं जो कि पेपर में आ सकती है, उसे भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहते हैं। सो नाउ वन मोर फॉर्म ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर अगर दिया जाए तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। सिंपली आपने करना क्या, इस फ्लैप को उठा के ना ऐसे यू करके खोल देना है तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए। तो अगर आप यहां से इस फ्लैप को ऐसे करके यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये ट्रायंगल ऐसे करके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही काम करेगा, ठीक है। तो यहां से करंट अंदर आएगा और इस बीच वाली ब्रांच को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर जो ब्रिज बैलेंस है तो आप इस वाली ब्रांच को यहां से इग्नोर कर देंगे, सिंपल ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। नो दिस इज वन मोर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो आपको देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा होगा। सेंटर में गैल्वेनोमीटर, दो रेजिस्टेंसेस इस तरफ, सिंपल जो वायर यहां से ऐसे जा रही थी उसको मैंने मोड़ के ऐसे राइट एंगल शेप में कर दिया। तो यहां से अगर इन दोनों की रेशियो के बराबर है तो ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म है। दिस इज वन मोर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये इसी साल सिलेबस में ऐड हुआ है, पहले सिलेबस से कट गया था और इसको आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, सबसे पहले देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि भाई किसी डिवाइस में अगर आप ज्यादा देर तक करंट फ्लो करेंगे तो जितना ज्यादा देर तक आप करंट को फ्लो करवाते रहेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर हीट बनती जाएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने फोन का चार्जर देख लीजिए, ज्यादा देर तक चार्ज करते हैं फोन गर्म हो जाता है, चार्जर गर्म हो जाता है। और पंखे को ज्यादा देर तक चलाएंगे, उसको टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। बल्ब को ज्यादा देर तक ऑन रखेंगे वो गर्म हो जाएगा। कोई भी आपकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको आप ज्यादा देर तक अगर यूज करेंगे तो उसमें से गर्मी बननी शुरू हो जाती है। तो जूल्स ने इसी लॉ को दिया था कि भाई कितना करंट फ्लो करने पर, कितने टाइम तक फ्लो करने पर और किस डिवाइस में फ्लो करने पर कितनी गर्मी बनेगी। सो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जितना ज्यादा करंट आप फ्लो करेंगे उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट बनेगी। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी हीट ज्यादा बनेगी और जितने टाइम तक आप उस करंट को फ्लो करवाते रहेंगे उतनी हीट ज्यादा बनती जाएगी। अगर हम यहां पर I को V by R पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा V square by R into T, ये इसकी सेकेंड फॉर्म है। अगर आप R को V by I पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा V I T। ध्यान से देखिए, इसके अंदर वोल्टेज नहीं है, इसके अंदर करंट नहीं है और इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये तीन डिफरेंट फॉर्म जो है हम यूज करते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। Now students we will be discussing about power. देखिए पावर क्या होती है, अगर आप सिंपली किसी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते तो उसको पावर कहते हैं। इन सारे फॉर्मुलाज में से टाइम हटा दो, यानी कि टाइम से डिवाइड कर दो सबको, तो पावर के फॉर्मुलाज बन जाएंगे। अगर आप टाइम को यहां ले जाते हैं तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर आप यहां पर इसके टाइम को इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर, ये आई स्क्वायर आर, ये V स्क्वायर बाय आर, और यहां से टाइम को नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा वी आई, ठीक है। तो सिंपली जो आपके हीट के जो फॉर्मुलास थे ना उन्हीं सबको टाइम से डिवाइड करो, यानी कि सब में से टाइम हटा दो तो ये आपके पास पावर के फॉर्मुलास आ जाएंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस द इक्विवेलेंट पावर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम देखते हैं अगर जो सीरीज में आपने बहुत सारे बल्ब लगा दिए सपोज, और आपको उसकी इक्विवेलेंट पावर निकालनी है कि पूरी इक्विवेलेंट पावर किसके बराबर आ रही है, तो सीरीज के अंदर जो 1 बाय पी इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 1 बाय पी1, 1 बाय पी2, 1 बाय पी3 प्लस 1 बाय पीएन का सम, ठीक है। और अगर इन केस जो आपके पी1 इक्वल टू पी2 इक्वल टू पी3 इक्वल टू पीएन हो जाए, यानी कि आपने सारे बल्ब सेम पावर के लगा दिए, तो जो इक्विवेलेंट आंसर आएगा दैट विल बी पी बाय एन,
इसकी डेरिवेशन जो है ना बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस वाले सेक्शन में मैं इसकी डेरिवेशन डिस्कस कर लूंगा, तो वहां पर आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसको एज हम क्वेश्चन ट्रीट करेंगे कि शो दैट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट पावर इज 1 बाय पी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय पी1 प्लस 1 बाय पी2 प्लस 1 बाय पी3 अप टू 1 बाय पीएन। स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये अगर पैरेलल में आपने बल्ब लगा दिए हैं तो उस केस में आपका जो इक्विवेलेंट पावर है वो किसके बराबर आ रही है। सो इक्विवेलेंट पावर उस केस में आपका सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू PN। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया था कि इसकी डेरिवेशन को भी एज अ क्वेश्चन ट्रीट करेंगे और उसको क्वेश्चन सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर जो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हो गया यहां से, अगर सारे इक्वल है और इक्वल टू P है तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N टाइम्स P, यानी कि जो होगा P इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअल पावर को नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। सो गाइस दिस वाज द सेकंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी, और कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू इट।